हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी सारे का स्वागत है आप जी के अपने चैनल विरसा चैनल उपर। दास गुरजी सिंह आप जी के सन्मुख हाजिर होया है विरसा चैनल की खास पेशकश कश्मीर सिख सरगर्मियों लैके, जिस विच आप जी कश्मीरी सिखा विलखण इतिहास अते इस हफ्ते कश्मीर अते पंथ विच हुई गतिविधियों बारे जाणू कराया जाता है। आओ जी सब तो पहलियां झांती मारदे हां मुख सुरखियां वल। बादशाह जमानत ते रिहा होए तीन बंदी सिंघां दा श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार वल्लों सन्मान। श्री अकाल तख्त साहिब अते श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी हमेशा संघर्षशील सिंघां ते उन्हां दे परिवारां दे नाल खड़े। डिब्रूगढ़ जेल च नज़रबंद सिंघां दे मामलियां संबंधी जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब ने बनाई कमेटी। पाकिस्तान दे पंजाब दे विच सरदार रमेश सिंह जी बने पहले सिख मंत्री। आओ जी खबरां नूं विस्तार नाल जानदे हां। पिछले 28 साल तो चंडीगढ़ दी बरेल जेल विच नज़रबंद बादशाह जमानत ते रिहा होए तीन बंदी सिंह इंजीनियर भाई गुरमीत सिंह पटियाला, भाई लखविंदर सिंह लखा अते भाई शमशेर सिंह उकसी जट्टां दा अज श्री अकाल तख्त साहिब विखे सिंह साहिब ज्ञानी रघबीर सिंह जी ने सन्मान किया। इस मौके सिंह साहिब ज्ञानी रघबीर सिंह जी ने आख्या कि श्री अकाल तख्त साहिब अते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हमेशा संघर्षशील सिंघां ते उन्हां दे परिवार दे नाल खड़े हन। उन्हां आख्या कि जिन्हां बंदी सिंघां दी रिहाई लई श्री अकाल तख्त साहिब दे आदेशां ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वल्लों पिछले लंबे समय तो कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है, उन्हां विच भाई गुरमीत सिंह पटियाला, भाई लखविंदर सिंह लखा अते भाई शमशेर सिंह जी भी शामिल हन। उन्हां कहा कि ए सिंह बादशाह जमानत ते रिहा होए हन अते ओ बंदी छोड़ छेवें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी अगे अरदास करदे हन कि जल्द ही इन्हां सारे बंदी सिंघां नूं पक्की रिहाई भी मिले। इस मौके भाई गुरमीत सिंह पटियाला, भाई लखविंदर सिंह लखा अते भाई शमशेर सिंह उकसी जट्टां ने आख्या कि मौजूदा समय विच खालसा पंथ की आपसी एकता की सब तो तरजीही लोड़ है। पंथक एकता होवे तां दुनिया की वड्डी तो वड्डी ताकत भी साढ़े अगे झुकेगी अते हर बारी समस्या का हल हो सकता है। उन्हां कहा कि जेलां विच दहाकियां की नज़रबंदी भी उन्हां दी आत्मिक चढ़दी कला विच फर्क नहीं पा सकी, पर पंथ दे बिखड़े हालातां नूं वेख के चिंता जरूर पैदा हो जाती है। उन्हां कहा कि उन्हां ने जो किया गुरु के हुक्म अनुसार किया अते उन्हां नूं कदे भी अपनी नज़रबंदी लई किसे ते कोई गिला शिकवा नहीं रहा। उन्हां दस्या कि जेल अंदर अपनी नज़रबंदी का समा उन्होंने गुरबाणी अते सिमरन का आसरा लैके कटिया है अते ओ अज भी चढ़दी कला नाल पंथ की हर तरह सेवा करन लई तैयार पर तैयार। डिब्रूगढ़ जेल च नज़रबंद सिंघां नूं तंग परेशान करन दे मामले संबंधी सिंह साहिब ज्ञानी रघबीर सिंह जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब वल्लों एक कमेटी नियुक्त की गई। एक कमेटी समुचे मामलों ते नरसानी कानूनी कार्रवाई सिंघां दे परिवार ते सरकार नाल तालमेल करन वास्ते बनाई गई है जो तुरंत प्रभाव नाल कार्य शुरू करेगी। सरदार रमेश सिंह जी जो कि पाकिस्तान के उगे विधायक हैं उन्हां वल्लों लहिंदे पंजाब के पहले सिख मंत्री वजों शपथ चुकी गई। इस मौके उन्हां दस्या कि वह हमेशा ही धर्म की सांझीवालता दे लई काम करनगे। सरदार रमेश सिंह जी इस तो पहला भी पाकिस्तान गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान अते गुरद्वारा श्री करतारपुर साहिब जी के कोरीडोर विच बतौर एम्बेसडर रह चुके हैं। इस प्रोग्राम में साड़ी कोशिश रहती है कि आप जी नूं इस हफ्ते कश्मीर अते पंथ विच होईयां गतिविधियां बारे जाणू कराया जाए। अगले हफ्ते फिर हाजिर होवांगे अगले हफ्ते की सरगर्मी नूं लैके। तद तक लई दिओ इजाजत जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।